नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रवीण मिश्रा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। नवजात शिशु के जीवन के साथ भिंडा जिला अस्पताल में होता है खिलवाड़, ऐसा आरोप विधायक असलम रानी ने लगाया। इलाज के नाम पर धन उगाही का खेल जिला संयुक्त चिकित्सालय में बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये भी असलम रानी ने कहा। नवजात शिशु के भर्ती के संबंध में पीड़ित परिजन से वसूला जाता है 1,000 से 5,000 तक की रकम। एक दिन के बीमार बच्चे को विधायक प्रतिनिधि आतिफ असलम ने तत्काल भर्ती कराया जिला अस्पताल में। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला था जिला अस्पताल का। जो पर्चा लगाया है सर, इन्होंने पर्चा यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर ध्रुव सर ओपीडी से रिफर किया। डॉक्टर ध्रुव हमें बताया कि दो बच्चे हम ओपीडी से रिफर किए। अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो आप बीच में आप ना बोले, पहले उनको पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आधे घंटे में उनको बाहर कर दिया, उसके बाद किसी लेडीज ने इनसे जा करके नीचे लड़ाई करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोग नीचे पैसा दे करके बच्चों को ऊपर एडमिट करवाती हो। एडमिट करवाने के बाद जो है एक दिन के बच्चे के साथ में क्या नेता करिए, आप बताइए किसने कहा था, बताओ स्कूल का बताओ। बिल्कुल जो है इनसे बोले हैं ये पूछो इनसे क्यों बोला है, इनके पास में आ रहे कि तुम तो पैसा देकर अपना कमीशन खाकर बच्चे भाई भर्ती कर लेते। मैं वहाँ से जवाब बोला था, अब इनसे पूछे जो पहचान आपसे किसके सामने बात हुई। सैलेश कौन है, लेकिन हमने क्यों मना कर दिया, तुम क्यों भर्ती कर दो। हमने कहा हमसे उसने कहा भर्ती कर, इस बच्चे को सर रेफर किया है, केस दी है, जिसको एम्बुलेंस एकदम पूरा उठाना चाहिए था। आधे घंटे बच्चा यहाँ बैठा था, जब बेड नहीं था तो उसके बाद बच्चे को यहाँ किस बेस पर भर्ती करा गया डॉक्टर साहब। अगर आपके पास बेड नहीं था तो आप उसको एडमिट ना लेते, एडमिट ना लेते। एडमिट लेने के बाद इनको वापस कर दिया, 1,000 रुपए की बात आ रही है। बात कहाँ किया, तो वहाँ से लड़ाई क्या नाम है, नाम नोट करो, कबरा नाम नोट करो, किसने और क्या क्या नाम है। पैसा मांगा अरे ये तो बताओ तुमसे पैसा कैसे, जैसे हमें भर्ती ना तो ये जिन कोई अपन में पहचान में आ रहा भर्ती करा दी ना, नो कहीं जो कुछ पैसा हो तो नहीं हो बच्चा से सलाह हो। कौन कहा, आपका नाम क्या भैया, होगा वही तो बोलेगा, नहीं तो ये कहीं है। हमने तुमसे पैसा मांगा था, दो ना मांगा लेकिन जो लिखा, तो अंदर एक बार झांक लो ना, देखो कौन है। सुनो सुनो, जो लिखा रहे थे इनसे कहीं कि कुछ तो पैसा इनका दे दियो बच्चा सही था। कौन बोला है, क्या लिखा है, सुना इनकी पहले जिंदगी, हम पहले पहले इनकी जिंदगी, बाद में बाकी चीजें बाद में कर लो, पहले बाकी चीजें बाद में कर लो। देखो हम परेशान ना परेशान। अभी आप देख रहे थे जिला अस्पताल में हुई बातचीत वार्तालाप का जो स्टिंग वीडियो था वो आप देख रहे थे। अभी इसके बाद आप देखेंगे जो पीड़ित महिला है उसका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो बच्चा हमारा एक कोर्स भर्ती कर लिए, पहले पहले तो कहे डॉक्टर ने रिफाइन मार दिया, फिर बाद में ये कि हमको अस्पताल का नहीं पहचानता, कई गरीब के बच्चा भर्ती कर लो, के पास कुछ बैलेंस नहीं, भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने बोला वो औरत से फजीयत करे ला नर्स से, जो मैं डॉक्टर आई नहीं कि तुम घुस ले ले बच्चे भर्ती करती हो, वो बच्चे वहाँ से निकाल दिए कि तुम अपन बच्चे ले जाओ। यहाँ डॉक्टर ने बोल थे तो हमसे बोला कि कुछ रुपया पैसा दिया है तो हमने जो पास 1,000 रुपया हो तो हमने तो बच्चा भर्ती कराई, मेरे पास पैसा ना रहा तो हमारा बच्चा नहीं करेगा। तो भी हम रोज हम खा कोई गरीब दुखिया था कि हमारे बच्चे यहाँ मर जाए। तो कितना, 1,000 मांग रहे थे, 1,000 रुपया मांग डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं पहचानते हैं, हम भी गलत अच्छा बांधते रहे हैं, अपने मुसीबत से लड़की वो तो लगा दिया, डॉक्टर की कोई गलती नहीं, डॉक्टर बच्चा भी लगा दिया, सब कुछ सुरक्षित लेगा, ऑक्सीजन में लगाया गया। अच्छा, बोले कि 1,000 रुपए दो घुस दो तो यहाँ पे उतरेगा, नहीं घुस दो तो यहाँ काम नहीं होगा, और फिर डॉक्टर से गए तो कहें तुम घुस लेती हो यहाँ पे,
और उसके बाद उसको बच्चा बाहर निकालो, लड़ाई करने लगे, बस वो बच्चा निकाल दिया, बच्चा को निकाल दिया। फिर ये बोली कि मैंने देखा, मैं काका है का, निकाल दिया, वो झगड़ा करने लगी डॉक्टर डॉक्टरानी। अच्छा, पैसे नहीं दिए तो बच्चे को निकाल दिया। हाँ, ये विधायक जी का। हाँ, तो वो जब कोई एम्बुलेंस वाला मेरे को नंबर दिया, मैं भैया जी से मैंने बात किया, तो भैया जी ने आए तो पूरा काम तत्काल हो गया, अभी बच्चा मेरा सही है। तो दोबारा एडमिट करवा दिए। हाँ, दोबारा एडमिट करवा दिया भैया। वो सब लिखा पढ़ी कर ली, नहीं बच्चे के बाद कि मर जाए तो कहाँ जिंदा रहे। चलो कोई बात नहीं, ना मेरे पास व्यवस्था है, तुम कहाँ कहीं भी लखनऊ ले जाओ या जब मर्जी जहाँ ले जाओ, चाहे कोई डीएम बुला लो, चाहे कोई ले लो, हमारा से कोई मतलब नहीं। कोई वही एम्बुलेंस वाले कोई नंबर दिया, कहने लगे भैया से तुम बात कर लो, अब तुम्हारा ये हो सकता है काम। ये यहाँ पे हमारा तो कोई पहचान से कोई भी रोई केयर कोनो चीज पूछा पहले मतलब, तो हमें ये कटान कटी गई तो हम लगे थे वहाँ। तो ये विधायक जी आए तो ये जो है मामला फिर जो है। हाँ, फिर वो रिपोर्ट वो अंदर कर, वो ऑक्सीजन में लगवाया, वो बोला कि जो तुमको नहीं भर्ती वो बोले, डॉक्टर बोले कि यहाँ जगह नहीं खाली है, और जो बच्चा को लेटा दिया, फिर उसके बाद में कह रहे कि वो नहीं है, फिर उसके बाद में वही बच्चा उसी जगह पे फिर पहुँच गया। अच्छा, ओके, सारा खेल पैसे का। हाँ।